हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी सर्कल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिल्पा आज आप लोगों के लिए फिर से एक नए टॉपिक के ऊपर नई वीडियो लेके आई हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो वीडियो देखने के बाद प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। नीचे रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस कर देना, साथ में ही बेल है या से उसे भी हिट कर देना, ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस ना करें। यस फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है निबंध, या फिर अनुच्छेद बोल लीजिए, या इसे 10 लाइनों का शॉर्ट ऐसे बोल लीजिए। तो जो हमारा अनुच्छेद है उसका विषय है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के ऊपर आज हम अनुच्छेद लिखेंगे, जिसे इंग्लिश में रेनी सीजन भी कहा जाता है। यस, तो फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। वर्षा ऋतु भारत की 4 मुख्य ऋतुओं में से एक है। भारत में गर्मी के ठीक बाद वर्षा ऋतु आती है। तो हमारे इंडिया में क्या होता है, गर्मी के मौसम के बाद कौन सा सीज़न आ जाता है, वर्षा ऋतु का सीज़न आ जाता है। यह बहुत सुहावनी ऋतु है, इसे बारिश का मौसम भी कहा जाता है। तो वर्षा ऋतु को बारिश का मौसम भी कहते हैं। यह ऋतु संसार को जीवन देती है, प्यासों को पानी देती है। तो वर्षा ऋतु में क्या होता है, बारिश होती है, जिससे क्या होता है, हमारी धरती पे काफ़ी सारी चीज़ों को नया जीवन मिलता है, पेड़ पौधों को पानी मिलता है। हम कह सकते हैं कि ये जो ऋतु है ये धरती पे पानी के कमी को पूरा करती है। इस ऋतु का इंतज़ार किसानों को ज़्यादा रहता है, क्योंकि यह फसलों के उत्पादन के लिए बहुत आवश्यक होती है। जो वर्षा ऋतु होती है वो हमारी फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा इंतज़ार वर्षा ऋतु का किसानों को ही रहता है। इसके प्रभाव से प्रकृति लहलहा उठती है, यह सूखे पौधों और पत्तियों में जान फूंक देती है, चारों ओर हरियाली छा जाती है। जब वर्षा ऋतु आती है तो क्या होता है, वर्षा ऋतु से पानी बरसता है बादलों से, और उस पानी से क्या है, जो पेड़ पौधे हैं जिन्हें कोई पानी नहीं देता, ठीक है, तो जिन पेड़ पौधों को कोई कभी पानी देता ही नहीं, उन्हें कौन पानी देता है, वर्षा ऋतु जब आती है तो वर्षा ऋतु के पानी से उन पेड़ पौधों को भी पानी मिल जाता है, उनमें जान आ जाती है और हर एक पेड़ पौधा हरा भरा हो उठता है। यह ऋतु जुलाई से लेकर सितंबर तक रहती है, और आकाश बादलों और काली घटाओं से घिरा रहता है। जो वर्षा ऋतु है वो जुलाई के महीने में स्टार्ट हो जाती है और वो सितंबर महीने तक रहती है। और इस दौरान क्या होता है, कभी आकाश में काले बादल आ जाते हैं, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं, और मौसम बहुत ही अच्छा रहता है। मेंढक प्रसन्न होकर टर टर की ध्वनि उत्पन्न करने लगते हैं, और जब बारिश होती है तब आप देखोगे कि नदियों या तालाबों के किनारों पे हमें मेंढकों की टर टर की आवाज़ भी सुनने को मिलती है। वनों में मोरों का नृत्य आरंभ हो जाता है, और जंगलों में जो मोर होते हैं वो बारिश को देख के, काले बादलों को देख के नाचना शुरू कर देते हैं। सभी उम्र के लोगों द्वारा बारिश के दिनों का आनंद लिया जाता है। जो वर्षा ऋतु एक ऐसी ऋतु है जिसमें हर एक उम्र का पर्सन जो है वो बारिश का मज़ा लेता है। जो छोटे बच्चे हैं वो बारिश में कई बार नहा के मज़ा लेते हैं, या फिर वो कागज़ की नाव बना के मज़ा लेते हैं। बड़े लोग क्या करते हैं, बारिश के मौसम में वो कई बार पकोड़े बनाते हैं, अलग अलग तरह के पकवान बना के खाते हैं। तो इस तरह हर कोई बारिश के मौसम को एंजॉय करता है। यस फ्रेंड्स, तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी और थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो मेक श्योर इसे लाइक किए बिना मत जाइएगा। यस फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो और नए टॉपिक के। तब तक के लिए आप हमारी इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और हमारे साथ बने रहिए जब तक नेक्स्ट
जब तक हम नेक्स्ट वीडियो नहीं लेके आते तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियोस को देखते रहिए। और हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत ही सिंपल स्टेप करना है, नीचे आपको अगर रेड कलर का बटन दिख रहा है तो उसे प्रेस कर दीजिए, साथ में एक बेल है उसे भी याद से हिट कर देना ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।